Hey guys, welcome back to the brand new video on this channel. This is Rahul Sharma and you're watching Gaming Dawson YouTube channel. And guys, आज मैं बात करने वाला हूँ PMGC second super weekend first day के बारे में and Miramar के match के बारे में बात करूँगा, जहाँ पे कल कुछ unexpected and impossible चीज को Ryzen ने possible करके दिखाया and उस situation में ना guys उन्होंने chicken dinner निकाला जहाँ पे उनका chicken dinner बनता ही नहीं था. So उसके बारे में बात करूँगा and उससे पहले कुछ fights के बारे में बात करेंगे जो मतलब end circles में होती हैं, teams कैसे खेलती हैं and after that ना guys मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि BTR कितनी लकी रहती है. मतलब एक दो बार वो एलिमिनेशन के मतलब बिल्कुल क्लोज होती है बट स्टिल दूसरी साइड की टीम्स ने उनको बचा लेते हैं यहाँ पे एंड BTR के Ryzen उसके बाद इतने अच्छे से मतलब यहाँ पे चिकन डिनर निकालते हैं. मैं तो कभी सोचा भी नहीं था भाई कि BTR यहाँ पे उस टाइम चिकन डिनर निकाल लेगी. सो अभी पूरी फाइट्स के बारे में बात करते हैं. फिफ्थ जोन यहाँ पे क्लोज इन होने वाले एंड जितने भी टीम्स रहते हैं गाइज अभी देखो यहाँ पे 4M होते हैं. यहाँ पे 4M की साइड में ना गाइज यहाँ पे पावर 888 का स्क्वाड है, यहाँ पे बीबी का स्क्वाड रहता है, सेंटर में यहाँ पे नोवा के पैराबॉय एंड कूल बॉय रहते हैं. बट BTR को देखो अभी BTR का मतलब काम खराब कर सकती A1 e-sports बट ऐसा नहीं होता यहाँ पे. बस जैसे A1 e-sports के सिनिस्टर आगे रहते हैं ना गाइस BTR के जैक्सी उनको ही डाउन करते हैं. उनका मतलब यहाँ पे जो फ्लैंक था जो आगे बैठे थे वो उनका तोड़ा जाता है. आफ्टर दैट ना सिनिस्टर को यहाँ पे रिवाइव नहीं मिलने वाला है. बट अभी 4M को देखना, 4M यहाँ पे कुछ ना कुछ करके प्लेयर यहाँ पे खड़े होते हैं. जैसे आगे जाने की ट्राई करते हैं ना पावर 888 वाले यहाँ पे इनको डाउन करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्मोक मतलब इतने अच्छे से नहीं हुए थे, थोड़े कम थे स्मोक्स एंड स्मोक की साइड से थोड़े थोड़े विजुअल हो रहे थे. उस चक्कर में उनके पास इवन टाइम भी नहीं था. बट यहाँ पे नोवा के पैराबॉय ने एक स्किल सिक्योर करा था अपनी M16 के साथ एंड इस बंदे के ना गाइस आपको पता है M16 कितनी अच्छी है. बट यहाँ पे कुछ अभी थ्रोएबल्स एक्सचेंज कर जाते हैं जिनमें यहाँ पे पावर 888 के मतलब जितने प्लेयर्स होते हैं वन बाई वन मतलब यहाँ पे मोलोटोव में जा रहे थे. आई डोंट नो क्या कर रहे थे बट इनके पास ना कोई और रास्ता भी नहीं था एंड इवन स्मोक था इनको पता नहीं लग रहा था. बट स्टिल गाइस अभी फाइट्स जो है वो बहुत अच्छी होने वाली. यहाँ पे अभी नोवा के पैराबॉय कूल बॉय को देखो, ऊपर इनको पता है कि इनके नीचे दो स्क्वाड है, एक पावर 888 का एंड स्वान को जैसे स्पॉट करते हैं ना, स्वान यहाँ पे रश करना चाहते हैं, इनको फटाफट डाउन कर देगा. एंड गाइस एवरी सिंगल बुलेट इज कनेक्टिंग. सो पैराबॉय की ना यहाँ पे M16 यार मतलब जब भी चलती है ना भाई तो खतरनाक तरीके से चलती है. बट अभी देखना यहाँ पे सुख एक नॉक दे चुके बंदे को अपने नेड से, सो वो यहाँ पे रैप हो जाएगा. बट सुख को यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि पैराबॉय यहाँ पे हेडशॉट देके सुख को भी खत्म करते हैं. एंड आफ्टर दैट ना यहाँ पे 4M का एलिमिनेशन होता है. 33 एंड SUK दोनों मतलब यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं. अभी नोवा का करना है, नोवा का जस्ट अपने नीचे जो स्क्वाड रहे थे उसको डाउन करना है. बट दूसरी साइड ना गाइस यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है, उनको मैं आपको मतलब मेनली दिखाने वाला हूँ. मुझे लगता था कि A1 e-sports यहाँ पे BTR को टेकडाउन कर सकती है, BTR ना सैंडविच हो सकती है A1 e-sports के बीच में या फिर मतलब यहाँ पे फुटबॉलिस के बीच में. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे कुछ उल्टा ही काम हो जाता है गाइस. अब यहाँ पे फुटबॉलिस कुछ अच्छा करते हैं बट A1 e-sports वाले ने यहाँ पे फुटबॉलिस को बैक ऑफ करवा देते हैं एंड BTR सर्वाइव कर लेते हैं. पैराबॉय ने नीचे वाली स्क्वाड को डाउन किया. अभी गाइस फाइट आते हैं चार स्क्वाड के बीच में. यहाँ पे 12 प्लेयर जिंदा है, दो प्लेयर रहते हैं यहाँ पे A1 e-sports के, दो प्लेयर रहते हैं नोवा के एंड 4v4 फाइट होने वाली है फुटबॉलिस वर्सेस BTR. सो BTR के जैक्सी को एक नॉक आता है. उसके बाद गाइस यहाँ पे नेड करने की कोशिश करते हैं. माइक्रो बॉय सामने रिवाइव दे रहे हैं, दो बंदे पीछे रहते हैं लक्सी एंड Ryzen. बट जैसे एक नेड जाता है ना गाइस, सो माइक्रो बॉय की हेल्थ भी थोड़ी सी लो रहती है, माइक्रो बॉय होते हैं यहाँ पे डाउन. अभी था टाइम मतलब पुश करने का एंड बहुत अच्छा पुश ये करने वाले थे फुटबॉलिस वाले. बट सामने से क्या होता है गाइस कि यहाँ पे ना सामने से बिल्कुल शॉट्स आते हैं एंड उस चक्कर में ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जैसे पुश करने की ट्राई कर रहे थे ना. सो ये प्लेयर यहाँ पे बैक ऑफ कर जाते हैं. आई थिंक कि मतलब A1 e-sports से मतलब डर रहे थे या फिर उन्होंने इन पे शॉट लिए कि खुले से पुश करना पड़ेगा सो हम डाउन हो सकते, या फिर गाइस इनको ऐसा लगता है कि BTR का एक दो प्लेयर यहाँ पे सामने बैठे जहाँ पे A1 e-sports रहती है कि हम आगे जाएंगे तो अपने को टेक डाउन कर लिया जाएगा. सो ये सारा सीन रहता है. बट कुछ भी करके ना यहाँ पे BTR 4-man स्ट्रांग हो जाते हैं. पैराबॉय का एक नॉक आता है रॉम को. बट गाइस यहाँ पे ना पैराबॉय की एक चीज दिखाना चाहूंगा, पैराबॉय बहुत ग्रीडी है. जब भी वो नॉक करते हैं फिनिश करने की एकदम ट्राई करते हैं एंड बहुत ज्यादा बार ना उनको पनिश करा गया है. वो बहुत ज्यादा बार आप देख भी सकते हो इवन जितने मैचेस रहेंगे ना अभी भी पैराबॉय ने अपना ये सीन चेंज नहीं करा है. जैसे ही नॉक वैसे ही फिनिश करते हैं एंड उस टाइम ना उनको पनिश भी करा जाता है. बट यहाँ पे A1 e-sports को मैं देख रहा था कि A1 e-sports यहाँ पे गेम खराब कर सकती थी बट दो बंदे अपने वो लूज कर चुके थे, वो खेल रहे थे यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए. बट गाइस यहाँ पे ना BTR अभी पूरा मतलब 4-man स्ट्रांग थे एंड ये चाहते थे कि भाई फटाफट से यहाँ पे A1 e-sports को भी डाउन करा जाए एंड आफ्टर दैट यहाँ पे फुटबॉलर्स को डाउन करा जाए. इवन गाइस यहाँ पे BTR के पास 9 किल हो चुके थे. बट पैराबॉय को भी देखना, पैराबॉय ने यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन किया फटाफट से ना सेकंड पिक लेके यहाँ पे कंफर्म करने का ट्राई करते हैं एंड लट जून को नॉक करते हैं. सो ये ना मतलब चीज पैराबॉय की मतलब अच्छी नहीं लगती, एकदम से भी ना देखे फटाफट से कंफर्म करने का ट्राई करते हैं. आई डोंट नो कि आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि नहीं बट A1 e-sports के यहाँ पे 6-9 को भी फटाफट से खत्म करा गया एंड डांटे इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग. बट गाइस आपने देखा होगा मतलब A1 e-sports वाले ना वन बाय वन एक एक प्लेयर सबसे पहले स्निस्टर डाउन होते हैं जहां पे इनको VTR
को आगे नहीं आने देना था। वहां पे सबसे पहले जो इन्होंने आगे प्लेयर यहां पे बैठा के रखा था सिनिस्टर, वो डाउन होता है। उसके बाद वन बाई वन ना ये सारे प्लेयर डाउन होते हैं। इवन डांटे यहां पे थोड़ा अच्छा खेलते हैं, बट मैं चाहता था गाइस कि यहां पे A1 Esports एंड तक रहती एंड BTR को वाइप आउट करती, उसके बाद सामने वाली टीम से फाइट लेके यहां पे उनको डाउन करके चिकन निकालते, बट ऐसा नहीं हो पाता है। बट यहां पे ना कुछ अब अलग ही लेवल की फाइट्स होने वाले हैं जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। अभी BTR के राइजन यहां पे डाउन रहते हैं, तीन बंदे BTR के रहते हैं, बट यहां पे जैसे ही डांटे को खत्म करने के लिए आते हैं उनको सामने से नॉक मिलता है। इवन एक नॉक यहां पे डांटे भी देते हैं एंड BTR गाइस यहां पे बहुत गंदी सिचुएशन में पहुंच चुकी थी। यहां पे इनके ओनली दो प्लेयर बचते हैं, बट यहां पे फिर से ये लकी होते हैं क्योंकि लिट्स को देखो, ये मतलब आगे जाके इन पे पुश करने की ट्राई करने वाले हैं अभी। एंड उसके बाद ना जैसे डांटे आते हैं यहां पे, इनको करा जाएगा फिनिश क्योंकि इनके पास जोन नहीं रहता। यहां पे लेक्सी को एक नॉक आता है गाइस यहां पे लिट्स की साइड से। उसके बाद ना जैसे ये प्लेयर यहां पे इन पे पुश करने वाला है एंड पीछे से कवर मांगता है, उसी टाइम पैराबॉय इनको नॉक कर देते हैं। यहां पे BTR गाइस फिर से सेव हो जाती है। सो ये ना मतलब BTR का मतलब जो लक मिलता है ना भाई, उनको जो उनकी हेल्प ये सराउंडिंग के प्लेयर करते हैं ना, बहुत ज्यादा बार मैंने देखा है। एंड इस मैच में ना दो तीन बार ये चीजें हुई है जहां पे BTR को एलिमिनेट होना चाहिए था, BTR मतलब समहाउ सरवाइव कर लेती है। एंड उसके बाद ना मतलब ये बंदे इतने अच्छे खेलते हैं। सो ये सारा सीन रहता है एंड मुझे समझ नहीं आती कि भाई BTR के साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाकी टीम्स के साथ क्यों नहीं होता। बट स्टिल गाइस अगर आप देखोगे तो यहां पे लक्सी एंड राइजन दोनों बंदे जिंदा है एंड ये बिल्कुल रेडी है कि भाई अपने को फुटबॉलर्स को टेक डाउन करना है एंड उसके बाद अपने को चिकन निकालना है। अभी ना मतलब सबसे स्ट्रांग यहां पे एक ही टीम लग रही थी, फुटबॉलर्स। सो फुटबॉलर्स के एक प्लेयर आगे आता है, एक प्लेयर नॉक देते हैं इवन लक्सी, बट उनको यहां पे डाउन करा जाएगा। सो लक्सी तो यहां पे खत्म हो चुका है, उनको कंफर्म करा जाएगा। बट BTR राइजन को देखना, राइजन यहां पे धीरे-धीरे क्रॉल करके मतलब आगे जाते हैं। एक गाइस यहां पे बुश में चले जाते हैं, इनके पास हेलमेट भी नहीं है, बेस्ट का मुझे नहीं पता कि इनके पास बेस्ट थी कि नहीं थी। बट स्टिल अभी ये बंदा क्या करेगा, अभी ना मतलब इसने पूरी पावर्स ले चुका है ये RRQ के प्लेयर्स की, क्योंकि RRQ के प्लेयर्स को मैंने ये काम करते हुए देखा है काफी टाइम कि वो ना एक जगह बैठे रहते हैं, मतलब लाइक किसी भी स्क्वाड से यहां पे छेड़छाड़ नहीं करनी है, पोजीशन के लिए खेलना है। एंड यही काम मतलब BTR के राइजन का रहता है, बट राइजन लास्ट में कुछ ऐसा करते हैं जो मैंने मतलब सोचा नहीं था। मुझे तो लग रहा था गाइस कि यहां पे राइजन को स्पॉट करके उनको टेक डाउन कर लिया जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाता है। कूल बॉय यहां पे नेड्स करने की ट्राई करते हैं, बट नेड्स यहां पे अच्छे नहीं होते हैं, उनके दो तीन नेड्स करते हैं एंड दोनों जोन के यहां पे बाहर जाते हैं। सो कूल बॉय के नेड्स यहां पे इतने खराब नेड करते हैं कूल बॉय। बट गाइस यहां पे देखो अभी BTR के राइजन को देखना, इनके पैर बाहर रहते हैं, यहां पे कूल बॉय का एक नॉक आता है। आफ्टर दैट गाइस जैसे पैराबॉय मारने की ट्राई करते हैं, पैराबॉय को डाउन करा जाएगा, बट यहां पे अभी राइजन को देखो, राइजन यहां पे एकदम निकलते हैं, तीन प्लेयर को एकदम खत्म करेंगे, रिलोड करके इवन यहां पे लास्ट प्लेयर को डाउन करा जाएगा। ये बंदा यहां पे मैच निकाल लेता अपनी टीम के लिए 1v3 करके। इसके पास ना हेलमेट गाइस, बट इसने क्या करा, जस्ट मतलब यहां पे बुश में छिपा एंड उसके बाद दो प्लेयर को डाउन किया, थर्ड प्लेयर को यहां पे रिलोड करता है, उसको भी यहां पे डाउन करेगा एंड अपने लिए एक चिकन निकालेगा। सो भाई इतना मतलब मजा आया था ना यार उस टाइम कि मैं अभी तो इवन एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि भाई क्या फीलिंग थी। और मैंने कभी यार सोचा नहीं था कि मतलब राइजन ये काम कर सकता है। इवन वो क्लियरली स्पॉटेड था गाइस कि मतलब उसके पैर दिख रहे थे जब यहां पे फुटबॉलर्स के एक प्लेयर आगे जा रहा था, बट यहां पे किसी ने भी उसको स्पॉट नहीं करा। ये बंदे भूल किस सकते हैं, मतलब कि यहां पे BTR का एक प्लेयर है एंड अपने इवन कास्टर्स को भी देख सकते हो, ओशन भाई एंड जॉनी, मतलब यहां पे बिल्कुल ना शॉक थे भाई कि ये कैसे हो सकता है, लाइक मतलब हाउ। सो ये सारा सीन रहता है गाइस इस मैच का, ये वन ऑफ द फेवरेट मैच था। एंड इवन गाइस इससे पहले भी काफी अच्छे अच्छे मैचेस हुए थे। फुटबॉलर्स ने एक बहुत अच्छा 17 किल्स का चेक इन निकाला था, साथ में सीक्रेट जिन बहुत अच्छा खेलते, बहुत इंप्रेस करते, सेकंड पोजीशन पे आ गई थी यहां पे। सो वो भी आपके लिए मैं वीडियोस लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके गाइस, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।